इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी फैमिली जो बहुत ज्यादा वायरल हुई पूरी दुनिया में, और वो बच्चे रो रहे थे बाबर आजम से ऑटोग्राफ लेने के लिए जब पाकिस्तान की टीम बरतानिया आई और वो इंग्लैंड के साथ उनका मैच था कार्डिफ के मुकाम पर, और बाबर आजम उनसे बच्चों से नहीं मिले जिसकी वजह से वो बच्चे रोते रहे, परेशान हुए, और उसके बाद नसीम शाह ने उन बच्चों को दिलासा दिया, प्यार दिया। आज वो फैमिली हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, आप वहां पे फैमिली जब आपकी वहां पे मौजूद थी, आप वहां पे बहुत नजर आ रही पूरी दुनिया में जो वीडियो वायरल हुई, तो ये बताया असल में वाकया क्या हुआ, कैसे वो सीन बना सारा, बाबर आजम से मुलाकात हुई नहीं हुई, कैसे हुआ, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुरू में पहले तो हमने 2 घंटे बाहर वेट किया कि क्रिकेटर से सबसे मिलना था। फिर जब बड़ी मुश्किल से जब हम अंदर गए तो सारे क्रिकेटर थे अंदर, तो सबसे पहले हमें बाबर आजम नज़र आए। तो मेरा ये छोटा सबसे पहले कह रहा था कि मैंने उनसे ना ऑटोग्राफ लेना है और उनके साथ पिक्चर खिंचानी है। ये सबसे पहले उधर चला गया, लेकिन उन्होंने बहुत मतलब पहले तो रूट बताया कि बस इग्नोर कर रहे थे, काफ़ी काफ़ी इग्नोर किया। फिर ये रोने लग गया था, वो इतना रोया है कि फिर मैंने इसको पकड़ के ना इसको साइड पे किया। उधर उसी दौरान नसीम कहाँ शाह पे ने हुई भी, है, होटल में जी जी होटल में उधर कार्डिफ रिसेप्शन में, पे? जी जी हाँ, तो अब बस लंदन से कार्डिफ कार्डिफ दो जी हम लोग उनके गए। लिए तो गए। अच्छा, बस फिर उसके बाद उन्होंने बहुत, इनको नसीम शाह ने बहुत प्यार से, बहुत शफकत से हाथ फेर के इसके साथ बातें करके, और फिर नसीम शाह कैसे आए सारे? वो साथ है कि सब देख रहे थे वो, उनको अच्छा, वो बहुत खुद चल फील। गया है जी आपके जी जी पास खुद नसीम आए। शाह? फिर उन्होंने इस छोटे को आवाज़ दी कि मैं बाबर आजम बन के आपको आपको उनका ऑटोग्राफ देता हूँ। तो अच्छा, फिर इसको पकड़ाया, फिर इसको इतना प्यार किया, फिर छोटे को डांट बड़े को डांटा कि आपने पहले इसका क्यों नहीं लिया, लेकिन वो बार बार उसको इग्नोर करते जा रहे थे, काफ़ी देर से इसको इग्नोर कर रहे थे। फिर इसको मैंने अच्छा, पकड़ा। नसीम शाह इनके सर पे भी हाथ फेर रहे हैं, जी जी फिर जी इनको कह रहे हैं कि अब तुम खुश हो, और वो जो वीडियो वायरल होती है जिसमें इंडियन एक्ट्रेस सोनम बाजवा, पाकिस्तान के जो शोबीज के लोग हैं उन्होंने भी उसको वायरल किया, और वो सब कह रहे हैं कि हमें नसीम शाह का ये जो अंदाज है बड़ा पसंद आया, और वो जिस तरह बच्चे को कह रहे हैं कि ये बाबर आजम का ऑटोग्राफ है, और बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये उसी का ही है। तो और आपने अभी देखा भी हो? यकीन करे, अभी भी ये विश करता है कि मेरा बाबर आजम से अभी भी मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। मुझे डेली अपने बाप को भी कहता है कि मुझे लेना ही लेना है। मैंने उसको कहा कि आप तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये आप शुक्र अभी तो करो वो कि बड़े आपको। मुश्किलात में है, अभी तो बड़ा तनकीद हाँ हो रही है जी उन जी पे, जी बस इस ये बच्चे की भी तनकीद हो रही है उन पे बहुत ज्यादा। अच्छा बेटा ये बताओ क्या हुआ आपके साथ उस दिन? ये बाबर आजम वाज सॉरी दैट नसीम शाह वाज giving giving me ऑटोग्राफ, autograph and इट वॉज गुड? he was so good then I was trying to say Baba Razam then he didn't listen. आपने देखा था बाबर आजम के पास? yes अच्छा, आप बताओ क्या हुआ, आप भी वहीं पे मौजूद थे? जब जब मैं उधर था, हमें बाबर आजम के पास गया था। उसने मुझे लुक भी नहीं किया, मैंने उसको कहा है सिग्नेचर दो, उसने मुझे दिया है, लेकिन उसने मुझे लुक भी नहीं किया। वो बहुत बहुत इग्नोर कर रहा था, थोड़ा सा रूड लग रहा था। तो फिर किसने आपको प्यार दिया, किससे बात हुई आपकी? नसीम शाह, अच्छा, तो अब वो आप खुश हैं सबसे, नसीम शाह से? हाँ वो सबसे अच्छा था। अच्छा, आप बताओ और बेटा। जब मैं उधर थी, मैं उधर गई थी बाबर आजम के पास, उन्हें उन्हें मुझे भी नहीं लुक किया था। वो बस साइन करके सीधा एलिवेटर में चले गए थे, और फिर नसीम शाह ने सब सिग्नेचर्स आपको दिए। पता आपकी वीडियो बहुत वायरल होगी पूरी दुनिया में? नहीं मुझे नहीं पता था। अच्छा, नहीं पता? बाबा ने नहीं दिखाई, मामा ने? अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था। ये बताएं आप जी जो इनके फादर हैं, जी तो आपका कैसा रिएक्शन था, आप भी वहीं पे मौजूद थे मैं वहीं तो? पे जी मौजूद था, और ऑलरेडी हम लोग पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, बहुत दिलो जान से मोहब्बत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। और बस जब बाबर आजम, जब मैंने सुना कि उसने मेरे छोटे को इस तरह इग्नोर किया, और उससे पहले ही उसके ऊपर इस तरह तनकीदें आ रही थी कि जी वो इग्नोर कर रहा है एंड इज़ बीइंग सुपर रूड टू एवरीवन, मतलब कि इस तरह इंग्लैंड के सारे प्लेयर से हम मिले हुए हैं। ये ओवल के मैचेस में इंग्लैंड के सारे प्लेयर से साथ हम मिले, पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी थे जो इन बच्चों से मिले जिनका बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगा? पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे, सबसे पहले तो नसीम शाह, वो बहुत अच्छे से मिले उनके साथ, और फखर जमान बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिले, आरिस रावी, हारिस रऊफ भी थे, और शादाब शादाब खान भी थे। शादाब खान के अलावा एक और भी थे, रिजवान, मोहम्मद रिजवान, जी, वो बहुत अच्छे हैं।
सबसे अच्छे से जी वो भी बहुत अच्छे हैं. सो सबसे अच्छे नसीम शाह हैं और मेरे हिसाब से बाबर आजम का टाइम अभी अप नहीं हुआ, लेकिन उसको अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा इजाफा लाना पड़ेगा. अभी भी हम लाइक करते हैं उनको, मैं उनको बैक करता हूँ. जो उनके ऊपर तनकीदें हुई हैं कि अभी उन्होंने मैच फिक्स किया है, जो भी किया, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने मैच फिक्स नहीं किया. वो ही इज अ रियली गुड प्लेयर. उनको हमें थोड़ा मौका. आप ये बताएं, आप कितना दूर आपने सफर किया और जो आपका एक विश थी, क्योंकि कार्डिफ तो लंदन से बहुत दूर, आप लंदन में रहती हैं, कितना लंबा सफर था, कितना आपने वहां स्टे किया, कितनी आपने मुश्किलात देखी इसमें? तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हम लोगों ने सफर किया. और एक तरफ जी बिल्कुल. और इतनी विश थी सबकी कि हम लोग मैच के लिए आपने वहां पे स्टे भी किया? जी मैच के लिए जी, क्योंकि वो रात का मंजर है होटल के अंदर. एक दिन पहले का मैच तो हुआ ही नहीं है, लेकिन उसकी भी हमें बहुत ज्यादा वो था, डिसअपॉइंट हुए थे कि मैच हुआ ही नहीं. अभी आपको पता है कि आप बहुत वायरल हो गई हैं पूरी दुनिया में, आपको लोग देख. अच्छा, मुझे पता नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, लेकिन इतना मैंने इस पे वो नहीं किया, सर्च नहीं किया. सुपरस्टार बन गई, आपको पता नहीं. थैंक यू. और बस ये कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए थे ये बाबर आजम की वजह से, लेकिन ये शुक्र है कि वो उन्होंने इसको इतना प्यार किया कि ये भी हैप्पी हो गया और हम भी हैप्पी हो गए कि इसको बाबर आजम का बेशक नकली वो मिल गया, लेकिन मिल गया जरूर उनके नाम का. बिल्कुल, ये थी वो फैमिली जो पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल है. ये जो बच्चे बाबर आजम का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे लेकिन वो तो ना दे सके, लेकिन नसीम शाह ने इनको एक बाबर आजम की तरफ से ऑटोग्राफ दे के तसल्ली दी मासूम बच्चों को कि ये बाबर आजम का ऑटोग्राफ ही है. बच्चे आज भी नसीम शाह को याद करते हैं, उनका कहना है कि नसीम शाह का बिहेवियर, अंदाज और प्यार हम नहीं भूल सकते, लेकिन बाबर आजम से उनको अभी भी शिकवा है. और इस फैमिली का भी कहना है कि हम इतना दूर हमने ट्रेवल किया, हमने 2 दिन वहाँ पे क्याम किया सिर्फ अपने स्टार्स को मिलने के लिए, लेकिन उनका ये अंदाज हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया. हमारे पास थे वो, लेकिन उन्होंने हमें इग्नोर किया, हमारी तरफ देखा नहीं. लेकिन कुछ खिलाड़ियों की उन्होंने तारीफ की, खासकर नसीम शाह के बिहेवियर से वो बहुत खुश हुए. और ये वही वीडियो थी जिसको पूरी दुनिया में लोगों ने अप्रिशिएट किया और नसीम शाह के इस अंदाज को लोगों ने बहुत सराहा.